भारत में सेडान सेगमेंट धीरे धीरे अपनी चमक खोता जा रहा है। भारत में बहुत कम सेडान सी ऐसी बची हैं जिनकी सेल्स अच्छी होती है और उनमें भी कोई ऐसा खास कंपटीशन नजर नहीं आता है। साथ ही साथ 15 से 20 लाख रुपए के बजट में पहुंचते पहुंचते लोग ज्यादातर एसयूवीज को प्रेफर करने लगते हैं, सेडान के सेगमेंट में कम इंटरेस्ट लेते हैं, तो इस वजह से भी सेडान काफी पिछड़ती जा रही है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टॉप सेलिंग सेडान्स के बारे में, साथ ही उनकी लेटेस्ट एक्सशोरूम प्राइसेस भी बताएंगे। आप देख रहे हैं ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की 9th पोजीशन पर आने वाली मारुति सुजुकी सियाज के साथ। 849 यूनिट्स बिके हैं अगस्त 2023 में। ये एक प्रीमियम सेडान है, लेकिन इकलौती ऐसी सेडान है जो अपने सेगमेंट में आती है और इसमें अभी तक कोई बड़े अपडेट नहीं मिले हैं। ये एज इट इज बिक रही है। यहाँ पर इसमें आपको इंटीरियर काफी स्पेशियस मिलता है, पुराने वाले ही फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि मस्ट हैव फीचर्स मिलते हैं। प्राइस की बात करें तो 9.5 लाख रुपए से शुरू होती है और टॉप मॉडल के लिए 12,45,000 रुपए तक जाती है। 8th पोजीशन पर होंडा सिटी, 1,494 यूनिट बिके हैं अगस्त 2023 में। होंडा सिटी भी अब केवल पेट्रोल वेरिएंट में ही आ रही है, मैनुअल और सीवीटी ट्रांसमिशन में। होंडा सिटी का स्टार्टिंग प्राइस 11,67,000 रुपए से शुरू होता है और 16,15,000 रुपए तक जाता है। इसका एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन भी आता है, यहाँ पर एक कम्प्लीटली हाइब्रिड वर्जन है जिसकी वजह से होंडा सिटी हाइब्रिड का माइलेज 27.1 kmpl तक है, लेकिन ये केवल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ही आता है। और एक्सशोरूम प्राइस 18,93,000 रुपए से शुरू होकर के 20,43,000 रुपए तक जाती है। होंडा एक चीज कर सकता है कि इस वाली सिटी हाइब्रिड के साथ एक और अफोर्डेबल वेरिएंट लॉन्च कर दे लगभग 17 लाख रुपए की एक्सशोरूम प्राइस पर। इस पर लोग काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाली टेक्नोलॉजी है, एक्चुअली ये ही फ्यूचर है। 7th पोजीशन पर स्कोडा की स्लाविया, 1,657 यूनिट्स बिके हैं। ये भारत की सेफेस्ट सेडान है। यहाँ पर स्कोडा स्लाविया में आपको केवल पेट्रोल इंजन ही मिलता है। स्कोडा स्लाविया की प्राइस 11,39,000 रुपए से शुरू होकर के 18,68,000 रुपए तक जाती है। इसके बाद 6th पोजीशन पर फॉक्सवैगन वर्टस, 2,140 यूनिट बिके हैं अगस्त 2023 में। ये भी सेफेस्ट सेडान है और ये भी स्लाविया की तरह प्रीमियम सेडान है। फॉक्सवैगन वर्टस की प्राइस शुरू होती है 11,48,000 रुपए से और टॉप मॉडल के लिए 18,77,000 रुपए तक जाती है। इसके बाद ह्यूंडई की वर्ना 5th पोजीशन पर 2,576 यूनिट के साथ। साथ ही साथ प्रीमियम सेडान की लिस्ट में ये नंबर 1 पोजीशन पर है। ह्यूंडई वर्ना वर्टस, स्लाविया, सिटी, सियाज की तरह ही प्रीमियम सेडान है और केवल पेट्रोल वेरिएंट में ही मार्केट में अवेलेबल है। ह्यूंडई वर्ना की प्राइस 10,96,000 रुपए से शुरू होती है और टॉप मॉडल के लिए 17,38,000 रुपए तक जाती है। 4th पोजीशन पर टाटा की टिगोर, ये एक कॉम्पैक्ट सेडान है। इसकी अगस्त में 2,947 यूनिट बिकी हैं। टिगोर की प्राइस शुरू होती है 6,30,000 रुपए से और 8,95,000 रुपए तक जाती है। इसमें एक इलेक्ट्रिक वर्जन भी आता है। इसके बाद होंडा की अमेज 3,564 यूनिट्स बिकी हैं और ये 3rd पोजीशन पर आ गई है। होंडा अमेज भी एक कॉम्पैक्ट सेडान है, 7,13,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है और 9,74,000 रुपए तक जाती है। ये भी केवल पेट्रोल वेरिएंट में ही आती है। सेकेंड हाईएस्ट सेलिंग सेडान है ह्यूंडई की ऑरा, ये भी कॉम्पैक्ट सेडान है। इसकी अगस्त में 4,892 यूनिट्स बिकी हैं और ये दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान बन गई है। ये भी केवल पेट्रोल वेरिएंट में आती है, हालांकि सीएनजी का भी ऑप्शन मिल जाता है। 6,33,000 रुपए तक एक्सशोरूम प्राइस शुरू होती है और 8,90,000 रुपए तक जाती है। भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान है नंबर 1 पोजीशन पर हमेशा की तरह ही मारुति सुजुकी डिजायर, जिसके 13,293 यूनिट्स बिके हैं अगस्त 2023 में। इसमें भी पेट्रोल के साथ सीएनजी का ऑप्शन मिल जाता है और सीएनजी के लिए तो 31.12 किलोमीटर पर केजी का माइलेज क्लेम किया जाता है। ये भी केवल पेट्रोल वेरिएंट में ही आती है। यहाँ पर आपने देखा कि डीजल वेरिएंट अब सभी सेडान्स में से हटा दिया गया है। सुजुकी डिजायर की प्राइस शुरू होती है 6,52,000 रुपए से और 9,39,000 रुपए तक जाती है। तो ये थी भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान्स। इससे पहले टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार, टॉप 25 बेस्ट सेलिंग एसयूवी, सबसे कम बिकने वाली गाड़ियों का वीडियो बना दिया है। साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट हम आपको शॉर्ट के थ्रू भी देते रहते हैं ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर।